नमस्कार। एक दुखद समाचार और दुखद समाचार ये है कि अपने दोस्त के बर्थडे मनाकर वापस लौटते समय दोस्त के साथ उनके दोस्त की जान चली गई एक सड़क हादसे में। वाकई दुखद समाचार है। जो भी समय में देख रहे हैं ज़रूर ओम शांति लिखेगा उन तीनों लोगों के लिए जिनमें दो सगे भाई और उनका एक दोस्त था जो कि बर्थडे पार्टी मनाकर वापस आ रहे थे। एक सड़क दुर्घटना में उनकी जान चली गई है। बताना चाहेंगे पूरी खबर क्या है आपको बताएंगे। दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत होगी, पोल से टकराई थी कार। नोएडा, ये खबर जो है नोएडा के ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आज सुबह की अगर बात करें, यानी आज जो कि बात करें तो सुबह एक कार पोल से टकरा गई। इस हादसे में दो सगे भाई और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये सभी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के बाद सुबह लौट रहे थे, यानी रात को दोस्त की बर्थडे पार्टी मना के उसके बाद सुबह घर वापस लौट रहे थे। पुलिस का कहना है कि कार चालक को छपकी आने के कारण ये हादसा हुआ है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। वहीं पर नोएडा के डीसीपी रामबंधन सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह थाना सेक्टर 126 क्षेत्र के अंतर्गत मयूर चौराहे के सामने एक्सप्रेसवे पर टाटा टियागो कार पोल से चकरा गई। कार में तीन लोग सवार थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों में से दो की पहचान ईशान व आर्यन पुत्र सुनील कश्यप निवासी पाम ओलंपिया नोएडा एक्सटेंशन के रूप में हुई है। इनके पिता सुनील कश्यप नोएडा अथॉरिटी में जेई के पद पर कार्यरत है। वहीं पर बताया जाए जिस समय यह हादसा हुआ उस दौरान एक्सप्रेस वे पर ज़्यादा वाहन नहीं थे, यानी कि सुबह सुबह तड़के में उस समय इतनी वहाँ पर यानी कि ट्रैफिक नहीं थी। और ये भी बताया कार की रफ्तार तेज थी और सीधे यानी बताना चाहेंगे एडवर्टाइजिंग पोल के साथ टकरा गई। यानी सुबह सुबह ये भी बताया जा रहा है कि कार जो थी तेज़ गति से आ रही थी और सुबह इतनी ट्रैफिक भी नहीं थी और एडवर्टाइजिंग पोल के साथ जा टकरा गई। इस भीषण दुर्घटना में कार सवार तीन युवकों की दर्दनाक मौत होगी। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर थाना सेक्टर 126 पुलिस पहुंची। शुरुआती जांच में पता चला कि ये सभी युवक अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। फिलहाल छपकी आना हादसे की वजह माना जा रहा है। पुलिस एक्सप्रेस वे पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा को भी खंगाल रही है। आगे की जांच जारी है। उन तीन परिवारों का उन तीनों के जो परिवार होंगे उन पर क्या बीत रही होगी। और दो एक ही घर के दो चिराग बुझ गए और एक घर का एक चिराग, यानी तीन लोग, क्योंकि रात को ये बताया जा रहा था। तो मिली जानकारी के अनुसार हमें जो बताया जा रहा है, हम तक जो जानकारी सूत्रों के आधार पर पहुंची है कि ये तीनों युवक जो थे ये अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से आ रहे थे और बर्थडे पार्टी पर आते आते बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेसवे पर जो ही गाड़ी जो थी एक एडवर्टाइजिंग पोल के साथ उनकी कार जो थी वो टकरा जाती है और तीव्र गति से गाड़ी तेज़ गति से आ रही थी और जिसके चलते पोल से टकरा गई और पोल से इस तरह से टकराई, इतना भयानक टकराई कि तीनों युवकों को अस्पताल ले जाते उनकी जान चली गई। और ये भी पुलिस ने बताया कि उनकी आंख जो बताई जा रही है कि इस घटना का कारण ये था कि जो ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहे थे उन तीनों में से उसकी झपकी लगी जिसकी वजह से गाड़ी जो निरंतर खो गई और सीधा पोल के साथ यानी कि एडवर्टाइजिंग पोल के साथ जाकर टकरा गई। शायद उनके माता पिता को भी नहीं आभास हुआ होगा कि जो बर्थडे मनाने के जा रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को ही अलविदा कहकर चले जाएंगे। हम बार बार कहते हैं कि ड्राइव स्लो, अगर कहते हैं दुर्घटना से देर भली, आहिस्ता से चलाइएगा, क्योंकि जब भी आप गाड़ियां चलाते हैं चाहे टू व्हीलर या फोर व्हीलर, हम बार बार ये शब्द ज़रूर कहते हैं। क्यों कहते हैं कि आपके साथ सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं बल्कि आपके माँ बाप की ज़िंदगी भी जुड़ी है, उनकी खुशियाँ जुड़ी है, उनकी उम्मीदें जुड़ी हैं, आपके परिवार की। तो खुद सोचिए आप अगर इस तरह से करेंगे जिस तरह से इन तीनों की जान चली गई, खुद सोचिए जिस घर के दो भाई सगे बेटे, जिस माता पिता के दोनों बेटे जो इस दुनिया से चले गए, उस घर में किस तरह का माहौल होगा, किस तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। ना जाने कब वो इस सदमे से बाहर आ पाएंगे, इस सदमे को झेल भी पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि औलाद का गम अपने बच्चों का गम ऐसा होता है जो ज़िंदगी भर माँ बाप के साथ जीते जी तक यानी मरते दम तक चलता है। तो खुद सोचिए आज क्या हालात होगी उस घर की कि तीनों अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी मनाने गए, रात को वहीं पर रहे और सुबह जब घर वापस आ रहे थे, और ये बताया जा रहा पुलिस के द्वारा कि जो ड्राइवर था उसकी छपकी लग गई, यानी आंख चलते चलते आंख छपकी हुई, तो जिसकी वजह से गाड़ी जो थी डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग पोल के साथ जाकर टकराई और इतना भयानक हादसा हुआ कि उन्हें यानी तीनों की
जान चली गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसके बाद पुलिस ने यानी कि उन्हें अस्पताल पहुंचाया तो वहाँ अस्पताल में जाकर उन तीनों को मृत घोषित कर दिया। और ये भी बताया जा रहा है कि अब सीसीटीवी कैमरास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी कि आखिर क्या वाकई छपकी लगने से यह हादसा हुआ या इसके पीछे का कारण कोई और है या किसी और गाड़ी ने उसे हिट किया। फिलहाल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये हम तक ला रहे हैं। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे उन तीनों युवकों के लिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सबसे बड़ी बात है कि उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे ताकि इस गम से वो भर पाए। ये ऐसा गम है ये शायद पूरी उम्र उनके साथ उनके माता पिता के दिल में एक बांझ बनकर चुभता रहेगा। ये सोचते होंगे शायद काश वो ना जाते बर्थडे पार्टी में तो आज हमारे बच्चे जीवित होते हमारी आंखों के सामने होते। उन माता पिता का दर्द आप भी समझ सकते हैं हम भी समझ सकते हैं। जो भी देख रहे हैं हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप उन तीनों युवकों के लिए ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।